हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं गामा फंक्शन। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गामा फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। गामा फंक्शन डिफाइंड एज गामा फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है। गामा ऑफ एन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी e रेज माइनस एक्स इंटू एक्स रेज एन माइनस वन डी एक्स, वे आर एन इज ग्रेटर देन जीरो। एन इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारा डिफिनेशन है गामा फंक्शन का। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, गामा वन गामा टू गामा थ्री की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक पहले गामा वन की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि गामा वन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, अब गामा वन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन वन में जहां n है वहां रिप्लेस कर देना पड़ेगा वन से। तो देखिए, गामा वन इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखिए, हमने x में तो चेंज किया नहीं है, हमने कहां चेंज किया है, n में चेंज किया है, इसलिए लिमिट हमारा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। e रेज माइनस एक्स इंटू एक्स रेज वन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब यहां से वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और एक्स से पावर जीरो की वैल्यू वन, तो यहां से कितना हो जाएगा, e रेज माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए, e रेज x का डिफरेंशिएशन भी e रेज x होता है, इंटीग्रेशन भी e रेज x ही होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, e रेज माइनस एक्स अपॉन में क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ x। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो x का कोफिशियंट होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, यहां कोफिशियंट देख रहे हैं माइनस का वन, तो माइनस वन हो जाएगा। अब लिमिट लगा देंगे जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब या फिर हम इसे क्या राइट इसे कर लेते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, ई रेज माइनस एक्स को। अब देखिए, वन अपॉन ई रेज एक्स लिख सकते हैं, निगेटिव तो हमने नीचे लिया, अब माइनस को ने बाहर ले लिया। अभी हमने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया है जीरो टू इन्फिनिटी। अब लगा देते अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू पुट कर देते, तो माइनस अपर लिमिट वन अपॉन ई रेज इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट ई रेज जीरो। अब ई की वैल्यू कितनी होती है, ई इज इक्वल टू 2.76 समथिंग होता है, इसी का प्रॉक्स होता है। तो उस लिहाज से हमने टू के पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। अब वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, कैलकुलेशन के पर्पज से जीरो हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, माइनस का जीरो, और यहां पर कितना आएगा, अरे टू के पावर जीरो की वैल्यू वन, तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, अब फिर इसके बाद जब माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो हम लिख देंगे गामा वन इज इक्वल टू वन, गामा वन की वैल्यू वन आ गई। अब देखिए, आगे से हम गामा टू गामा थ्री की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आइए पहले रिडक्शन फॉर्मूला कर देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी निकालना गामा टू गामा थ्री। तो अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आइए, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा एन प्लस वन। ठीक है, गामा एन की वैल्यू पता है, गामा एन प्लस वन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हम एन की वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, गामा टू की वैल्यू मिल जाएगी, और टू रख देंगे तो गामा थ्री की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालने में थोड़ा आसानी होगी। तो आइए, तो देखिए कितना हो जाएगा, गामा एन प्लस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट चेंज नहीं होने वाली क्योंकि हम चेंज एन में कर रहे हैं, एक्स में करते हैं तो लिमिट चेंज होती है, ई रेज माइनस एक्स इंटू एक्स रेज। अब एन को रिप्लेस करना है एन प्लस वन से, तो यहां पर एन की जगह हो जाएगा एन प्लस वन, और माइनस वन ये पहले से है माइनस है, और डी एक्स। तो देखिए, ये क्या होगा, माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज माइनस एक्स इंटू एक्स रेज एन डी एक्स। अब देखिए, यहाँ पर दो फंक्शन है, तो बाई पार्ट से हम इसको सॉल्व करने, बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करने वाले हैं। तो बाई पार्ट से करने के लिए मैं आईलेट का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, कि आईलेट तो पता ही होगा। तो आईलेट में क्या होता है, आईलेट से करते तो मैं थोड़ा आसानी हो जाती है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकल जाता, अदरवाइज वैसे आप किसी को मान लेंगे आर्बिट्री, किसी का फर्स्ट सेकंड ले लेंगे तो काफी टाइम लगने वाला। तो आईलेट में क्या करता है कि पहले अगर इनवर्स फंक्शन है तो पहले उसको फर्स्ट लेना है, फिर लॉगरिथम को, फिर उसके बाद प्रायोरिटी बेस है कि प्रायोरिटी में किसे पहले देना है, पहले
इनवर्स को देना है, फिर लॉगरिथम को, फिर अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट में एक्सपोनेंशियल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर में एक्सपोनेंशियल है, एक अलजेब्रिक है, तो इस हिसाब से अलजेब्रिक पहले आ जाएगा, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मान लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट हमारा एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज एन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज माइनस एक्स डी एक्स, और होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और जो लिमिट लगता है, लिमिट लगता है पूरे पर लिमिट लगता है, जो लिमिट लगता है जीरो टू इन्फिनिटी पूरे पर लिमिट लगेगा। ठीक है, ये लिमिट किसने पर लगती है, पूरे पर लगती है। तो देखिए यहां हमारा यहां तो इंटीग्रेशन हो गया, तो यहां लिमिट लगा गए, इसे कंप्लीट कर देते हैं। इज इक्वल टू एक्स रेज एन इंटू यहां कितना हो जाएगा ई रेज माइनस एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस का वन। अब यहां हम लिमिट लगा के हटा देंगे, क्योंकि देखिए यहां पे इंटीग्रेशन आया नहीं, इंटीग्रेशन से फ्री हो गया, तो लिमिट कहां से कहां गई थी, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, अब देखिए इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें कितना मिलने वाला है, एन एक्स रेज एन माइनस वन, एन एक्स रेज एन माइनस वन इंटू ई रेज माइनस एक्स अपॉन माइनस वन इंटीग्रेशन डी एक्स। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए माइनस को माइनस और एन को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर हम लिमिट लगा देते हैं, अब लिमिट लगा के देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है। देखिए अगर अपर लिमिट रखें, अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो इसको हम ई के ई रेज माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स को वन अपॉन ई रेज एक्स रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो अपर लिमिट रखने से, अपर लिमिट रखने से क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो, और लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर रखेंगे, ठीक है, यहां पर रखेंगे, इसकी वैल्यू वन कर देगा, इसकी वैल्यू जीरो कर देगा, तो जीरो इंटू वन जीरो हो गया, तो फाइनली क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो जीरो। अब देखिए माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर एन को भी निकाल लिया, एन हो गया। ठीक है, और ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन सॉरी यहां पर प्लस लिख देते हैं। अब देखिए जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज एन माइनस वन इंटू ई रेज माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका है क्या, यही तो गामा फंक्शन की डिफिनेशन है, तो आप इसके लिए आप कितना लिख सकते हैं, एन गामा एन लिख सकते हैं, एन हमारा पहले का है और इसकी डिफिनेशन से, गामा फंक्शन की डिफिनेशन से गामा एन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम गामा एन प्लस वन निकाल रहे हैं, गामा एन प्लस वन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन गामा एन। ठीक है, वैसे अगर आपको टू पूछे गामा टू की वैल्यू कितनी होगी, गामा टू तो कितना होगा, गामा टू के हम लिख सकते हैं गामा वन प्लस वन, तो एन की जगह पे यहां कितना है, वन है, कितना हो जाएगा वन गामा वन, और गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो यहां से कितना जाएगा वन। ठीक है, अब गामा थ्री की वैल्यू पूछ लेते हैं, गामा थ्री कितनी होती है, गामा थ्री की हम लिख सकते हैं टू प्लस वन, टू प्लस वन लिख सकते हैं, तो एन की जगह कितना है यहां पर, एन की जगह पर हमारा है टू, एन की जगह पर टू, तो कितना हो जाएगा टू गामा टू, गामा टू की वैल्यू हमने अभी देखा कितना है, वन है, यहां से कितना हो जाएगा टू इंटू वन टू। ठीक है, अब गामा फोर की वैल्यू पूछ लिया, गामा फोर इज इक्वल टू, गामा फोर इज इक्वल टू, गामा फोर कितना हो जाएगा, गामा थ्री प्लस वन, गामा थ्री प्लस वन, अब यहां से कितना हो जाएगा थ्री गामा थ्री, लिख सकते हैं थ्री गामा थ्री, और गामा थ्री की वैल्यू कितना है टू, तो ये कितना हो जाएगा सिक्स, कितना हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम ये देखें गामा और फैक्टर में रिलेशन क्या मिला, तो देखिए आप थोड़ा गौर से अगर देखें, अब इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा समझाना है आपको। अब देखिए हमने यहां देखा गामा टू की वैल्यू, गामा टू इज इक्वल टू हमें मिला गामा वन प्लस वन इज इक्वल टू, हमने इसको लिखा वन इंटू गामा वन, अब गामा वन की वैल्यू वन होती है इसलिए यहां पर वन हो जाएगा, अब गामा थ्री देखा तो गामा थ्री को हम लिख सकते हैं टू प्लस वन, एन की वैल्यू कितना है, देखिए बाय इस डिफिनेशन एन
एन की वैल्यू कितना यहां पर टू है, तो टू आ जाएगा इंटू गामा टू, गामा टू की वैल्यू भी हमने निकाला है वन, तो कितना जाएगा टू इंटू वन टू। वैसे ही गामा थ्री की वैल्यू, गामा फोर की वैल्यू बात कर लें, गामा फोर कितना होगा थ्री प्लस वन इज इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा थ्री, एन की वैल्यू थ्री है और गामा थ्री, और गामा थ्री की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो कितना आ जाएगा थ्री इंटू टू मीन्स आ जाएगा सिक्स। ठीक है, अब इसमें और पहले वाले में क्या क्या फर्क आ रहा है, तो देखिए इसका मतलब यह है कि जब भी हमसे पूछेगा गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन की वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन होती है, गामा एन प्लस वन की वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल एन होती है, तो ये हमारा रिलेशन है फैक्टोरियल और गामा में। ठीक है, अब देख सकते हैं यहां पर कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे हमें गामा, हमें फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू निकालना है, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री कितना होता है थ्री इंटू टू इंटू वन कितना आ जाएगा सिक्स, देखिए फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू सिक्स आ रही है, यहां पर गामा फोर की वैल्यू सिक्स आ रही है। ठीक है ना, तो गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में जो रिलेशन है उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।